नमस्ते दोस्तों, आप सभी का मेरे कुकिंग चैनल में स्वागत है। आज मैं बनाने वाली हूँ आलू फ्राई की रेसिपी एकदम नए तरीके से। जब भी आपको छोटा मोटा भूख लगा हो तो आप इस तरह से बना करके झटपट खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब मैं नया वीडियो बनाऊँ आप सबको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए फटाफट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने 4 से 5 उबला हुआ आलू ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से छील लिया है। आलू को एकदम इतना मत उबालिए कि एकदम ये मतलब गल जाए, मतलब थोड़ा ये ज़्यादा नहीं इसको उबालना है। यहाँ मैंने कढ़ाई में डाल दिया है तेल। अब यहाँ मैं डाल दूँगी इसमें जीरा, हल्दी पाउडर और अदरक कूटा हुआ लाल मिर्च। अब डालने के बाद इसको जो मैंने आलू रखा था उबाल के इसमें डाल देंगे। उसको कट नहीं करेंगे, इसी तरह से उसमें सारा डाल देंगे। अच्छे से इसको फ्राई करके ले लेते हैं। थोड़ा इसको लाल मतलब लाल होने तक हम फ्राई करेंगे। यहाँ एकदम क्रंची हो चुका है। इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला। अब थोड़ा सा इसमें हम नॉर्मल नमक डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे। नमक के साथ इसको हम थोड़ा मिला करके ले लेते हैं ताकि सब जगह नमक अच्छे से मिल जाए। तो बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाता है, खाने में बहुत ही क्रंची लगता है। आप वैसे भी इसको खा सकते हैं, आप खाने के साथ भी खा सकते हैं, चाय के साथ भी इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है और चटपटा भी रहता है। अब यहाँ हो चुका है, इसके ऊपर से मैं थोड़ा सा कूटा हुआ अदरक लाल मिर्च और डाल देती हूँ और हरा धनिया डाल देती हूँ। से एक बर्तन में हम निकालेंगे। तो हमारा गर्मा गर्म आलू फ्राई बन करके तैयार हो गया है। एक बार इसे आप खाएंगे तो आपको बार बार बना के खाने का मन करेगा। इसके ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। और तो वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है। आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। मेरी रेसिपी अपने फैमिली और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।